नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के स्टूडियो में बात करेंगे 6 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाता है। इस वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो 750 मिलियन डॉलर की इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य COVID-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। MSME का मुख्यालय नई दिल्ली में। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास है। अगला प्रश्न है, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो एम वेंकैया नायडू के द्वारा फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक को CAV पट्टाभी राम द्वारा लिखा गया है। इस वर्चुअल इवेंट को ICT अकादमी द्वारा होस्ट किया गया था। एम वेंकैया नायडू हमारे देश के उपराष्ट्रपति है। ICT अकादमी का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में। ICT के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायणन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 लॉन्च किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 लॉन्च किया गया। अपनी तरफ की यह पहली राष्ट्रीय पहल है जो दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSD बैंक नॉट ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो सुमित नांगल के द्वारा PSD बैंक नॉट ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अंतरिम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इमरान ख्वाजा को ICC के अंतरिम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने टिकटॉक इंस्पायर्ड वीडियो ऐप प्लस को बंद करने की घोषणा की है? तो फेसबुक के द्वारा ये घोषणा की गई है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक ने टिकटॉक इंस्पायर्ड वीडियो ऐप प्लस को बंद करने की घोषणा की है। 10 जुलाई के बाद ये ऐप इस्तेमाल करने के योग्य नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, जियो प्लेटफॉर्म ने हाल ही में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? तो जियो प्लेटफॉर्म के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। जियो प्लेटफॉर्म ने हाल ही में जियो मीट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है जो कि गूगल प्ले और ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से एक बार में डायरेक्ट कॉल्स सपोर्ट के साथ 100 पार्टिसिपेंट एक साथ मीटिंग कर सकते हैं, जिसके लिए यूजर को मोबाइल नंबर और ईमेल से साइन अप करना होगा। अगला प्रश्न है, श्रीकांत माधवेद्य ने हाल ही में किस पेट्रोलियम कंपनी के चेयरमैन का कार्यभार संभाला? था IOCL के चेयरमैन का कार्यभार संभाल लिया है। श्रीकांत माधवेद्य ने हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के चेयरमैन का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हुए संजीव सिंह की जगह अपना कार्यभार संभाला है। अंतिम प्रश्न, राजस्थान में 100 एकड़ में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? तो तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। राजस्थान में 100 एकड़ में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है, जिसका डिजाइन भी फाइनल कर लिया गया है और बनने में करीब 350 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मोटेरो क्रिकेट स्टेडियम और मेलबर्न स्टेडियम के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। ये जयपुर से 25 किलोमीटर दूर चौंप गाँव में बनाया जाएगा। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू।